वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए वैक्सीनेशन के नियमों में एक बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंजीयन अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक बिना पंजीयन कराए या बगैर स्लॉट बुक करे ही ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण करा सकते हैं, जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत बालाघाट जिले के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में बिना पंजीयन कराए ही वैक्सीनेशन किए जाने की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, जिसके तहत शुक्रवार से जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में आधार कार्ड या किसी भी आईडी प्रूफ के जरिए लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। हालांकि इस सुविधा का लाभ शहरी क्षेत्र के लोग नहीं उठा पाएंगे, उन्हें वैक्सीनेशन के लिए पूर्व की भांति पंजीयन कराकर स्लॉट बुक कराना ही होगा। अपने शासन से लेट नाइट कल में निर्देश प्राप्त हुए थे, उसमें 28 से ये था कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 100% ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन होता, कि जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगाना है 18-44 वो अपना आईडी पैन कार्ड आधार मैन पासपोर्ट जो भी हो साथ में ले आ ले और वहीं पे स्पॉट पर जाते वैक्सीनेशन होता है। और शहरी क्षेत्र जो है इसमें 100% ऑनलाइन होता, जो पूर्व में प्रथा सिस्टम था अपना कि अपन स्लॉट ओपन कर रहे थे ऑनलाइन स्लॉट लेना पड़ रहा था, तो शहरी क्षेत्र में ऑनलाइन होता। इसके तहत 28 के लिए हमने बालाघाट पीजी कॉलेज में 500 का स्लॉट बनाए हैं, तो अभी शाम तो 6:30 बजे आपका ओपन हम तक दी थे पब्लिश कर दी थे। और इस 500 के अतिरिक्त जो हमारे स्लॉट बने हैं ग्रामीण क्षेत्र में वो 100% ऑन द स्पॉट रहे थे, व्यक्ति वहाँ संस्था में जाए और वहाँ अपना पंजीयन करा के वैक्सीन लगाए। उसमें शर्त ये है ग्रामीण क्षेत्र में कि जितने का वहाँ का लक्ष्य निर्धारित है उसी लक्ष्य के अनुरूप वहाँ पे वैक्सीन लगेगा, उससे ऊपर हम नहीं लगा पाए थे।